मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स इंटीजर्स। लास्ट टू वीडियोस में हम इंटीजर्स के बारे में बहुत सीख चुके हैं। पहले मैंने आपको नंबर लाइन सिखाई थी, फिर बताया था कि नंबर लाइन पर कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। अभी लास्ट टाइम मैंने वो एडिशन करने का भी सिखाया था आपको, वो रूल्स भी सिखाए थे कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए भी थे। और दूसरा टॉपिक हमने प्रॉपर्टीज का किया था, तो उस दिन हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की थी, आज हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज करेंगे। आप मेरे साथ वो टॉपिक कंटिन्यू लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो क्या आंसर आता है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि -4 मल्टीप्लाई -3, 4 3 12, और माइनस माइनस होता है प्लस। दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन आता है पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल्स हम और देखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -7, -50 मल्टीप्लाई -2, तो 3 7 21, और आंसर आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि टू नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन में आंसर आता है पॉजिटिव में, 3 7 21, 3 7 21, तो आंसर आएगा प्लस में, 52 100, आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर आता है पॉजिटिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब इसमें जो दो इंटीजर्स हैं उसमें से एक है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। इसका हम एग्जांपल लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 करे, 5 मल्टीप्लाई 3 करे, बोथ आर सेम एंड एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में, -5 मल्टीप्लाई 2, एक नंबर नेगेटिव में है दूसरा नंबर पॉजिटिव में है, तो दोनों का आंसर आपका नेगेटिव है, -10। भले ये नेगेटिव नंबर -5 है, दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस में हो तो मल्टीप्लाई में आंसर माइनस में आता है, और दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव में आता है। और एक एग्जांपल, -10 मल्टीप्लाई 5, आंसर आएगा -50। दैट मीन्स एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में। ये हमारा हुआ सेकंड एग्जाम्पल। और अभी हमने इसके पहले देखा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। फिर मल्टी अब थर्ड नंबर
नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 2 × 4 8, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी आएगा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन के रूल है, प्रॉपर्टीज है। अब हम इसके थोड़े से और एग्जांपल्स में आपको दे रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ोगे। रीडिंग डालेंगे हम, फाइंड द वैल्यू या सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई के लिए आज हम कर रहे हैं। तो सारे इसमें एक, अभी हमने तीन रूल सीखे कि दो नंबर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा रूल दोनों नेगेटिव, तीसरा रूल दोनों पॉजिटिव। तो ये तीनों रूल्स के हम सम्स करेंगे। हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना हमारा और क्लियर होगा। पांच एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट है -6 × -7। तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी आई कि बोथ आर नेगेटिव। अब बोथ नंबर्स आर नेगेटिव तो उसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो आएगी पॉजिटिव। तो 6 × 7 = 42। और अगर कोई भी सिंबल नहीं किया है तो वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव में है। यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, एक नंबर पॉजिटिव में एक नंबर नेगेटिव में और दोनों के बीच में रूल है मल्टीप्लीकेशन का, 12 × 4 = 48। अब दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है। और दूसरी हमने प्रॉपर्टी जो भी तीन प्रॉपर्टीज की उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई आएगा नेगेटिव में। 12 × 4 = 48 आंसर आएगा -48। थर्ड नंबर −8 × −9। दोनों नंबर्स नेगेटिव में, बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई आएगा पॉजिटिव इंटीजर। 8 × 9 = 72। बोथ नंबर्स आर नेगेटिव बट आंसर इज इन पॉजिटिव। −10 × −10। 10 × 10 = 100। पहले मल्टीप्लाई तो हमको पता ही है कभी देने का। अब दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर आएगा प्लस में। 12 × 4 = 48। पहले हम मल्टीप्लाई को लिख देंगे। अब दोनों में से एक इंटीजर माइनस में है मतलब कि नेगेटिव में है तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, फिर से एक बार सॉल्व कर लें कि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। 1 negative 1 positive आंसर विल कम इन नेगेटिव इंटीजर। बोथ आर इन नेगेटिव आंसर विल कम इन पॉजिटिव इंटीजर। बोथ आर नेगेटिव सेम दिस रूल, 1 integer इज इन पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव बट आंसर इज इन नेगेटिव। फिर से मैं ये रूल आपको एक बार अच्छे से बता दूं। मल्टीप्लीकेशन के तीन रूल्स याद रखने हैं कि हमें जो दो नंबर दिए हैं उसमें से एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव इंटीजर में। दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। और थर्ड, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम और सम्स कर रहे हैं।
पहले नजर से हमको इधर सारा पॉजिटिव ही दिख रहा है, एक भी नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा, बराबर। तो हमारा रूल, हमें बस रूल याद रखना है, फिर हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। बोथ आर इन पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी आएगा पॉजिटिव में, पर होगा दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। 14 2 28 और आंसर आएगा प्लस में। ये सारे आप देख सकते हो कि सारे नंबर पॉजिटिव ही है, सारी जो दो दोनों की पैर है वो दोनों पैर पॉजिटिव इंटीजर्स वाली ही है, बराबर। तो आंसर सबका पॉजिटिव में ही आएगा और होगा मल्टीप्लाई। 12 5 60 15 4 60 94 9 4 36 और पीछे दो जीरो मतलब 900 4 300 3600। 21 2 42, ये तीन रूल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें दो इंटीजर के बीच में हमें रिलेशन करना होता है मल्टीप्लाई का। एक इंटीजर पॉजिटिव, एक इंटीजर नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव में आएगा। दोनों इंटीजर नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और दोनों इंटीजर पॉजिटिव में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अभी मैं आपको इसी का होमवर्क भी दे रही हूँ, आप लिख लो। मैं सारे तीनों प्रॉपर्टी मिक्स करके दे रही हूँ ताकि आप प्रॉपर्टीज याद कर करके उसे सॉल्व कर पाओ। मेरे साथ लिखना शुरू करोगे होमवर्क, फिर मैं यहाँ पर वो ओरल ही करवाऊंगी, आंसर मैं नहीं लिख पाऊंगी, आंसर आपको अपने आप लिखने हैं। इधर एच डब्ल्यू का सिंबल डालो। आप भी मेरे साथ ये सारे नंबर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अभी ये 8 और 12 और 2 दे रही हूँ ताकि टोटल 10 नंबर तक हमारा काम हो जाए। 41 2 जा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके लिख देने का, फिर हमें वो निशानी का सोच लेने का। 41 2 82। अब इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लाई की? बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव सो आंसर विल कम इन द पॉजिटिव। -41 - -2 = 82 पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसके आगे माइनस की निशानी नहीं है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, हमें इसे +82 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है। अगर ये माइनस नहीं है तो ये प्लस है, एकदम इजी वे से हम याद रखेंगे। 16 2 32, वन इंटीजर नेगेटिव, वन इंटीजर इन पॉजिटिव, तो हमें क्या आंसर में आएगा बोला तो आपने अभी मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखवाई है वो लिखी हुई होगी, तो आप देखो अगर किस तरह से है वो पॉजिटिव में लिखूँ या नेगेटिव में। अभी मैं जो आंसर बोलूँ ना आपका वही आंसर होना चाहिए, आंसर आएगा नेगेटिव में। मल्टीप्लाई में कोई भी एक नंबर नेगेटिव में है, दूसरा नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। -50 - -50, तो पहले हम ये दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। 5 5 - 25 और 2 0। अब बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव तो आंसर विल कम इन पॉजिटिव। आपको मल्टीप्लाई में एकदम इजी याद रखना है,
कि कोई भी एक माइनस में है ना तो आंसर माइनस में, बस बाकी प्लस ही है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर का भी पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव इंटीजर का भी पॉजिटिव आंसर आता है। अब देखो 25 4 100 100, अब यहाँ है माइनस, मतलब एक इंटीजर इधर माइनस में है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। द आंसर इज माइनस 100, ये नंबर। माइनस 20 मल्टीप्लाई माइनस 20, बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव। 20 मल्टीप्लाई 20 होता है 400, पहले हम वो लिख देंगे। अब बोथ नंबर्स आर इन नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। माइनस 100 मल्टीप्लाई माइनस 200, तो इसका आंसर आएगा, देखो एकदम इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन अगर होता है तो एकदम सिंपल वे बताती हूँ, 1 2 2 और ये दो जीरो और ये दो जीरो, मतलब 2 के पीछे 4 जीरो लगाएंगे, मतलब 20,000। अब ये जो 20,000 है वो आंसर आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट माइनस 50 मल्टीप्लाई 50, 5 5 25, 0 0 मतलब 2 जीरो लगा दिए। अब हम देखेंगे कि एक इंटीजर पॉजिटिव में है और एक इंटीजर नेगेटिव में है, तो आंसर हमारा आएगा, सोचो तो किसमें आएगा, आंसर हमारा आएगा नेगेटिव में। माइनस 2500, माइनस 2500। नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाई 100, बोथ आर इन पॉजिटिव, बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो द आंसर विल आल्सो कम इन पॉजिटिव इंटीजर। 1 1 1, 1 2 3 4 4 0, 10,000, आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव में। अभी मैं ये आंसर रफ कर रही हूँ, ठीक है, आपने मेरे साथ सिर्फ सॉल्व ही किया होगा, अपने आप आंसर आपको लिखने हैं। अभी हम और थोड़े एग्जांपल्स में दे रही हूँ, अब मैं इसके आंसर से ओरली बोलूंगी, मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है, ताकि आप सिर्फ अभी मेरे साथ समझोगे, आंसर अपने आप बाद में लिखोगे। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर। अभी मैं इसके आंसर नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ ओरली सॉल्व करूंगी। माइनस 40 मल्टीप्लाई माइनस 40, हियर यू कैन सी बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, इसका आंसर आएगा 1600, पॉजिटिव इंटीजर। आगे हम माइनस नहीं लिखेंगे, अगर कोई भी नंबर के आगे माइनस नहीं लिखते हैं तो ऑलरेडी वो नंबर पॉजिटिव में गिना जाता है। 20 मल्टीप्लाई 14, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर में। 14 2 28, पीछे जीरो लगाएंगे, 280, तो वो प्लस में ही रहेगा, आगे माइनस नहीं लिखेंगे, मतलब वो पॉजिटिव है। 56 मल्टीप्लाई 1, बोथ आर इन पॉजिटिव इंटीजर,
तो आंसर भी आएगा पॉजिटिव इंटीजर में, 56 बन जा 56, आंसर आएगा 56। 12 नंबर, 90 × -3, इसमें हमारा रूल है एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो आंसर आता है नेगेटिव इंटीजर में, मतलब 93 × 27 और पीछे लगेगा 0, मतलब इसका आंसर आएगा -270। फिर से इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और इसका आएगा नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है। 13 नंबर, 40 × -20, एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो हम इसका पहले मल्टीप्लाई लिख देंगे, 40 × 20 = 800, पर अब 800 बोला तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसमें हमारा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसमें हमारी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो आंसर आता है नेगेटिव में, तो इसका आंसर आएगा -800। 14 नंबर, 25 × -5, 25 × 5 = 125, आपको पता है, अगर मैं बड़े नंबर दूँ तो आप रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और फिर इधर आंसर लिखकर जो प्रॉपर्टीज मैंने आज सिखाई है वो यूज करके सिंबल डालना है प्लस माइनस का। इधर कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, इसका आंसर आएगा -125। 15 नंबर, -17 × -2, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव सो आंसर विल कम इन पॉजिटिव इंटीजर्स, 17 × 2 = 34, हम 34 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि 2 - 2 नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, तो अभी और भी फायदा आपको 20 तक होमवर्क में दे रही हूँ, ये 15 तक मैंने सॉल्व करवाए, आंसर मैंने नहीं लिखे है ओरली करवा दिए है, आपको आंसर के साथ अपने आप प्रैक्टिस करनी है। अभी हम 16 to 20 नंबर का मैं आपको ओरली करवा रही हूँ, आंसर आप अपने आप बाद में लिखोगे, मैं आंसर नहीं लिख रही बिकॉज ये हमारा होमवर्क है। 16 नंबर, -19 × -2, 19 × 2 = 38, अब दोनों इंटीजर्स इधर माइनस में है तो आंसर आएगा प्लस में, तो इसका आंसर आएगा 38। 14 − 14 × -5, 14 × 5 = 70, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव में है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, इधर हमारा आंसर होगा 70। 15 × 5, बोथ इंटीजर्स आर इन पॉजिटिव, तो आंसर भी उसका आएगा पॉजिटिव में, 15 × 5 = 75, 75 के आगे हम कोई निशानी नहीं करेंगे, मतलब कि वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर। 10 × -20, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 200, दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव में है तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव।
इसका आंसर आएगा -200। -70 मल्टीप्लाई -70, बोथ इंटीजर्स आर इन नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो 70 मल्टीप्लाई 70 आएगा 4900 और आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज बोथ इंटीजर्स आर इन नेगेटिव। तो मैं सिर्फ इसके फिर से बता दूं कि किसके आंसर पॉजिटिव में आएंगे और किसके आंसर नेगेटिव है, और लास्ट में एक बार पूरा तीनों तीन में आपको जो प्रॉपर्टीज है, आज हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी सीखी, वो फिर से अच्छे से एक बार करवा दो। इस दोनों माइनस में है, बोथ आर नेगेटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, आंसर इज इन पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर पॉजिटिव, आंसर इज इन पॉजिटिव इंटीजर, वन पॉजिटिव इंटीजर वन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स आंसर विल कम इन नेगेटिव इंटीजर, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, सो आंसर विल कम इन पॉजिटिव इंटीजर। कर दो और सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर दो। थैंक यू।